But today, inshallah, we'll just go to Mubarak in a second. We'll just talk about the Jummah today, because it's quite another historic Jummah that happened. So if we just quickly go through that. But just firstly, alhamdulillah, we have the last Friday. So I just wanted to say, inshallah, everyone, I hope you had a really good Ramadan. And I really hope that you felt a little bit closer to Allah the Almighty. And it's really nice that we were able to be together throughout this journey. We've had, like I said, we've had four Khudam nights now, and it's really nice being able to see all of you. Inshallah, we'll continue this after Ramadan as well. So, JazakAllah for everyone for your commitment and for being together in this way that we can. So, just firstly, JazakAllah, Khurram Saab, for also joining. We're just going to go quickly through the Friday sermon of Huzur's Khutbah. So can I just quickly ask Mubarak, can you just quickly give us a little summary of that one? So yeah, today Huzur deliver a khutbah. It's like Eid before Eid. We Huzur. Yeah, it's a long time that we are missing Huzur face and Huzur Hidayat. So thing is that Huzur basically talk about Barakatul Dua, that Barakat he has, and उन्होंने ये भी mention किया था कि जब अफराद जमात के जो प्यार और मोहब्बत और दुआएं जो है वो खिलाफत के साथ वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मैं जो हूँ इतना जल्दी रिकवर कर गया. एंड डॉक्टर वर ऑल्सो सरप्राइज दैट यू हील इट वेरी क्विकली. सो उसमें ये भी था कि हुजूर ने ये भी फरमाया कि खलीफा सालिस ने एक बात की थी जो उनको बहुत अच्छी लगी थी, कि जमात और अफराद, खिलाफत और अफराद जमात इज लाइक मतलब एक जिस्म है और दो जाने हैं, इट्स अ वन एंटिटी. इसके अलावा उन्होंने बरकात दुआ पे ज्यादा फोकस किया था कि किस तरह दुआएं कबूल होती हैं और किस तरीके से मेरे साथ भी हुआ. इनफैक्ट हजूर के थोड़े बहुत निशान हमें नजर भी आ रहे थे आँख के नीचे और माथे पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि वो सब चीजें जो है उनकी अंदरूनी कोई चोट नहीं थी और सब चीजें हील अप हो गई हैं. इसके अलावा हजूर ने आखिर में दुआएं भी फरमाई, मुख्तलिफ दुआएं की हमारे लिए भी और जमात के लिए, अफराद जमात के लिए भी. और इसके अलावा हुजूर ने एक बहुत अच्छी बात बयान की जो मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, जो कि हमारी अपनी गैदरिंग्स में भी होता है कि हम लोग वो चीज़ को बिल्कुल फोकस नहीं करते और बिल्कुल नोटिस नहीं करते उस बात को जो हमें लाजिम करनी चाहिए. कि हुजूर ने फरमाया था कि जो हम गैदरिंग्स में होते हैं, दोस्तों में होते हैं, गॉसिप्स करते हैं, गपशप करते हैं, जो भी करते हैं, तो हमें आपस में जो एक दूसरे की फ्रेंडशिप होती है उसमें इज्जत का जो वैल्यू होती है, एक रिस्पेक्ट की वैल्यू है, वो हमेशा मलहूज़े खातिर रखनी चाहिए, मतलब फर्स्ट प्लेस पर रखनी चाहिए. कि हम एक दूसरे से इतना हंसी मजाक ना करें कि एक दूसरे की इज्जत ही चली जाए, एक दूसरे की नज़रों में इज्जत चली जाए. तो आपस में रिस्पेक्ट का एक माहौल बनाया जाए, दुआएं की जाए दूसरे के लिए. हुजूर ने खुद दुआएं करके भी दिखाई और हमें मतलब बताई कुछ दुआएं. तो हुजूर शुरू से 7 साल जब खिलाफत 100 साल हुए थे उस वक्त भी हुजूर ने जब से कुछ दुआएं हैं, मखसूस दुआएं, 7 साल खिलाफत जुबली की दुआएं, वो हुजूर आज तक हमें उसकी नसीहत करते हैं कि हमें वो दुआएं पढ़नी चाहिए. और मैं तो समझता हूँ कि उसे हर नमाज का हिस्सा बनाना चाहिए. जैसे मैं तो 7 साल खिलाफत की जितनी भी दुआएं हैं, रब्बे कुल्ले शैन खादिम गो रब्बे वफदनी मंसूरनी, जितनी भी है, मैं हर नमाज में वो पढ़ता ही पढ़ता हूँ. वो मैंने अपनी नमाज का एक पार्ट बना लिया उसके अंदर. तो इस तरीके से दुआओं पर ज्यादा फोकस किया था. और हमारी दोस्ती और गैदरिंग और दुनियावी मतलब जितने भी मामला चल रहे हैं, कोरोना वायरस वगैरह, ये वो, ये सब चीजें हजूर ने यही फरमाया कि दुआएं करें. और दुआओं के जरिए, जैसे हजूर ने अपनी मिसाल दी कि डॉक्टर्स हैरान थे, और हजूर कुछ दिन पहले, कुछ अरसा पहले हजूर का एक और प्रॉब्लम हो गया था कि उनसे हाथ नहीं उठाया जा रहा था और वो अपना जो बाजू आर्म है वो किसी की सपोर्ट से फिर उठा रहे थे. तो क्रिश्चियन डॉक्टर थे उनके, और वो डॉक्टर जो थे वो कहते थे कि मैं क्रिश्चियन हूँ और मेरा भी दुआओं पे बिलीव है, लेकिन आप, मुझे ये पक्का यकीन हो गया कि आपकी मतलब अगली अगली नेक्स्ट सिटिंग के अंदर हुजूर जो है वो 90% रिकवर भी कर गए थे. तो उन्होंने डॉक्टर, क्रिश्चियन डॉक्टर ने भी यही कहा कि ये मैं, मुझे भी दुआओं पे बिलीव है कि आपकी दुआओं की नतीजा है, रिजल्ट है कि आप इतनी जल्दी हील अप कर गए, वरना 6 6 वीक्स और 3 मंथ आपको लग सकते थे इसको हील सही होने में. तो ये था हुजूर ने जो आज जुमतुल विदा भी था, तो जुमतुल विदा पे यही खुतबा इशात फरमाया था.
Jazakallah, really good. Jazakallah, as you said, we always say every week, try to pick one point out and try to implement that point. So I think this point of thinking about Hazur, and he said at the beginning, I want to thank everyone for writing to me. And this really affected me because a lot of people say, you know, that Hazur doesn't read our letters and why do we send letters to Hazur and stuff. So just by saying this, Hazur really said thank you. You know, it's not very often where Hazur says thank you to the Jamaat for sending him letters and for his prayers. And he said, because of your prayers, I was able to heal quickly. So that was just another reminder of how we should try to establish that connection with Khilafat and why it's so important. And that really affected me more than anything. As you said, we've missed Hazur's face. We didn't see it for 2 weeks. And so that's why... just his presence is enough for us. It's enough for us to say, Alhamdulillah, he was fine now. So Jazakallah for that really good summary. I like how you present it and you take it all in, and it's really good to get a message out. So everyone, whenever you're listening to khutbah, try to take one point, that's all you need. If you can take more, but try to implement anything that you can get from Hazur's khutbah. Cool, man.